नमस्कार, शिक्षा श्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। ये सेशन RRB NTPC और ग्रुप डी वालों के लिए है। इसमें हम लोग साइंस टॉपिक के बायोलॉजी सेक्शन के टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ये वो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके साइंस सेक्शन से पूछे जाते हैं, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बायोलॉजी के इनसे बाहर लगभग कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो हम लोग वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज करेंगे जो कि आपके बायोलॉजी सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, RBCs काउंट इन द ब्लड इज इंक्रीज्ड व्हेन ए पर्सन इज हैविंग। किसी व्यक्ति के होने पर रक्त में RBC की गिनती बढ़ जाती है। आंसर होगा पॉलीसीथेमिया। पॉलीसीथेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। यह आपको अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो को बहुत अधिक लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने के कारण होता है, और ये अतिरिक्त कोशिकाएं आपके रक्त को गाढ़ा करती है। जो एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स बनता है वो आपके ब्लड को थिक करता है, गाढ़ा करती है, और ब्लड के प्रवाह को धीमा करती है। जब थिक हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो धीमा हो जाता है, जिससे रक्त के थक्के जैसे गंभीर समस्याएं हो जाती है। तो ये एक पॉलीसीथेमिया एक ब्लड कैंसर है। अगला क्वेश्चन, वेयर आर द लैक्रिमल ग्लैंड सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में लैक्रिमल ग्रंथियाँ कहाँ स्थित है? ये हमारे आई ऑर्बिट में स्थित है, नेत्र कक्ष में। तीसरा क्वेश्चन है, द रेड ब्लू एंड पर्पल कलर सीन इन प्लांट्स इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट। आंसर इसका एंथोसियानिन होगा। पौधे में देखे जाने वाले लाल, नीला और बैंगनी रंग एंथोसियानिन वर्णक के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल मोटर स्किल्स ऑफ द बॉडी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मोटर कौशल को नियंत्रित करता है? आंसर इसका होगा फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक पार्ट होता है। इसका फंक्शन फ्यूचर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट, इन सबों में ये मदद करता है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। उस हार्मोन का नाम क्या है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर के स्तर को रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया करने में असमर्थता, ये मधुमेह के लक्षणों के विकास को जन्म दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेम द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। इसका आंसर हाइड्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर होगा लीवर। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी इज द। किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और ये क्या करता है? ये पानी को सेपरेट करता है, आयन्स को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्लड से सेपरेट करता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं इनको फिल्टर आउट करता है, और जो भी महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं उनको ब्लड में दोबारा से रिटर्न कर देता है फिल्टर करने के बाद। अगला क्वेश्चन, जेम्स डी वाटसन ए नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ। जेम्स डी वाटसन एक नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। कौन से क्षेत्र में? जेनेटिक्स के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, पुरुष
पोलियो इज कॉज्ड बाई ए, पोलियो एक किसके कारण होता है, वायरस के कारण, और ये पोलियो वायरस के कारण होता है। वायरस मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और यह संक्रमित व्यक्ति के मल यानी कि फेसेज के संपर्क में आने या फिर कफ या बलगम के संपर्क में आने से फैलता है, और जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तब भी ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज, अंतस्रावी ग्रंथियों को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, डक्टलेस ग्लैंड्स के रूप में। और ये डक्टलेस ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड में सेक्रेट करते हैं, उनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। और जो मेजर ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम का, वो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और एड्रेनलिन ग्लैंड्स, ये सब याद रखिएगा, ये सब डक्टलेस ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। 13वां क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू, आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना। और जो आयोडीन होता है, हमारा शरीर आयोडीन को नहीं बनाता है, इसलिए हमें आयोडीन को बाहर डाइट से लेना होता है, और आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स नहीं बना पाता है, और आयोडीन की कमी से और क्या क्या होता है, जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी मानसिक विकास थोड़ी धीमा हो जाता है, किनकी, जिनकी माताओं को गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी होती है उनके बच्चे की मानसिक विकास भी धीमी हो जाती है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड अगेंस्ट विच वायरस, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित पहला टीका किस वायरस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, सही उत्तर होगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक लीवर का इन्फेक्शन होता है जो कि हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस से होता है, और जिसको वैक्सीन से आसानी से बचा जा सकता है, अगर हम लोग इसकी वैक्सीनेशन करा लें तब हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। बच्चों में हेपेटाइटिस बी की टीका लगवाना चाहिए ताकि उनको ये वायरस अटैक ना करे। अगला क्वेश्चन है, टर्मरिक इज ऑब्टेंड फ्रॉम डैश ऑफ ए प्लांट, हल्दी एक पौधे के डैश से प्राप्त की जाती है, किससे, स्टेम से। अगला क्वेश्चन, जीन्स आर मेड बाई, जीन द्वारा बनाए जाते हैं, किनके द्वारा, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। अगला क्वेश्चन है, हेमाटोपाइसिस अकर्स इन, ये कहाँ पर होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो को अस्थि मज्जा बोलते हैं। ये हेमाटोपाइसिस रक्त और रक्त प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा के सभी सेलुलर कंपोनेंट्स का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज, लेप्रोसी को और किस रूप से जानते हैं, इसको हैंसेंस डिजीज, हैंसेंस रोग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ह्यूमन स्कल हैज डैश नंबर ऑफ बोन्स, एक मानव खोपड़ी में हड्डियों की कितनी संख्या होती है, 22, 22 बोन्स। अगला क्वेश्चन है, डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन द मसल लीड टू ए फीलिंग ऑफ फैटिक इन ह्यूमन्स, मांसपेशियों में किस एसिड के जमा होने से मनुष्यों में थकान की भावना पैदा होती है, लैक्टिक एसिड की वजह से। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहलिक ड्रिंक कॉन्टेंट्स, जो अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं उनमें क्या होते हैं, इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है,
ग्लूकोज इन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाय एनिमल्स, पशु द्वारा के रूप में ग्लूकोज संग्रहित किया जाता है किस रूप में, ग्लाइकोजोन के रूप में। ग्लाइकोजिन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 ब्रैकेट में N। ये याद रखिएगा ग्लाइकोजन का केमिकल फार्मूला है। अगला क्वेश्चन है, एस्केरेसिस इज कॉज्ड बाय, एस्केरेसिस किनके द्वारा होता है, राउंड वर्म्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीनेशन, बीसीजी को बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन बोलते हैं, गिव्स इम्यूनिटी फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप्स वाज डिस्कवर्ड बाय, रक्त समूहों की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडसनियर। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाय, भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर पनगी पाली वेणुगोपाल। 27वां क्वेश्चन है द ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, जोनास सॉल्क ने। अगला क्वेश्चन है कॉम्पेनियन सेल्स आर यूनिक टू, जो साथी कोशिकाएं होती हैं के लिए अद्वितीय होते हैं, किन के लिए, एंजियोस्पर्म्स के लिए। अगला क्वेश्चन है डीएनए स्टैंड फॉर्म, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 30वां क्वेश्चन है डॉग बाइट कैन काउज रैबिज, बाइट ऑफ विच अदर एनिमल कैन ऑल्सो काउज रैबिज, कुत्ते के काटने से रैबिज होते हैं तो किस अन्य जानवर के काटने से भी रैबिज हो सकता है, बैट के काटने से, चमगादड़। अगला क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड इज एलवेज, ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अपवर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है सैलिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, जो लार होते हैं वो किनके पाचन में मदद करता है, स्टार्च के, हमारे मुंह में ये बनता है। अगला क्वेश्चन है विच पेरेंट्स क्रोमोजोम इज यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए किस माता पिता के गुणसूत्र का उपयोग किया जाता है, आंसर होगा फादर पिता का। अगला क्वेश्चन है द बायोगैस यूज फॉर कुकिंग इज ए मिक्सचर ऑफ, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जैव गैस का मिश्रण होता है, किसका होता है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को समझिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को देख पाएँ। अगला क्वेश्चन है द येलो कलर ऑफ द ह्यूमन फेसेज इज रिजल्ट ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड, मानव के फेसेज के येलो कलर का कारण क्या होता है, किन पिगमेंट के द्वारा होता है, उरोबिलिन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उरोबिलिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच एयर पॉल्यूटेंट काउज द मोस्ट सीरियस हेल्थ हजार्ड, कौन सा वायु प्रदूषक सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरों का कारण बनता है, इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अगला क्वेश्चन है विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, विटामिन के किसके संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन लीवर द्वारा बनाया गया एक प्रोटीन होता है और ये कई पदार्थों में से एक है जिसके थक्के यानी कि क्लॉटिंग कारकों के रूप में जाना जाता है, ये जब भी हमें चोट लगता है तो ये क्लॉटिंग करने में मदद करता है जिससे हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है थोड़े देर के बाद, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रोथ्रोम्बिन, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज इन एंटी मलेरियल ड्रग, मलेरिया रोधी दवा का उपयोग
किस यौगिक में किया जाता है? इसका जो आंसर होगा क्लोरोक्विनिन। अगला क्वेश्चन है, डेंटल कैविटीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ। जो डेंटल कैविटी होती है वो किसकी कमी के कारण होता है? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड। कृत्रिम किडनी के माध्यम से रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड इनटू ए न्यूली बॉर्न बेबी। नवजात शिशु में पहला टीका कौन सा लगता है? बीसीजी का। अगला क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाई। फूड पॉइजनिंग किनके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलियम। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फेमर। 45th क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होता है? आयरन। अगर इसकी कमी हो जाता है तो हमें थकान, हमारे शरीर में और भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जिसको सही करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में आयरन लेना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फाउंड इन ह्यूमन जीन। मानव जीन में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 और पेयर में 23। अगला क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। मानव रक्त का पीएच मान क्या है? 7.40। अगला क्वेश्चन है, द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आर कॉल्ड। पौधे जो पानी के तनाव, मतलब बिना पानी के स्थिति में जो ग्रो करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जेरोफाइट्स बोला जाता है। जैसे कैक्टस हो गया, ये सारे प्लांट्स वाटर स्ट्रेस कंडीशन में ग्रो करते हैं, डेजर्ट वाले प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा में बदल दिया जाता है। किसमें? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। 50वां क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स होती है, और स्टेप्स मिडिल ईयर में तीन छोटी हड्डियों का तीसरा और आंतरिक कान के सबसे करीब बोन होता है, और तीन स्मॉलेस्ट बोन कौन कौन सा है? पहला है मलायूसस, MALLEUS। दूसरा है इनकस, और तीसरा स्टेप्स, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे मिडिल ईयर में लोकेटेड होते हैं, तो ये याद रखिएगा, मलायूस, इनकस और स्टेप्स। 51वां क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। वृक्षों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। प्राकृतिक चयन की सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। इनका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन बहुत ही फेमस है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये एक बुक है जो कि चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। ये पूछा जाता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये बुक का नाम है, जो कि 1859 में लिखे थे। इसमें बताया गया है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सेलेक्शन, और ये भी इस थ्योरी में बताया गया है कि हमें वक्त के साथ
बदलना चाहिए। अगर जो स्पेसीज वक्त के साथ नहीं बदलते हैं तो उनकी विलुप्त होने की चांस बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, टर्पेंटाइन वाइल इज ऑब्टेंड फ्रॉम, जो टर्पिन का तेल होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? रेजिन फ्रॉम पाइन्स, जो पाइन्स के पेड़ होते हैं उनमें जो रेजिन्स निकलते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में पाए जाने वाला एकमात्र तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स क्या है? एम्फीबियस प्लांट्स हैं, उभयचर पौधे। अगला क्वेश्चन, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इट्स किचन, इसको क्लोरोप्लास्ट को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सेल के आत्मघाती बैग के रूप में किसे जाना जाता है? लाइजोजोम को। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन हेल्दी मैन, एक स्वस्थ आदमी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव क्या होता है? 120 मिलीमीटर एंड 80 मिलीमीटर, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी होता है 120 मिलीमीटर बाय 18 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, डर्मेटोलॉजी का अध्ययन ह्यूमन स्किन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच केमिकल इज पॉपुलरली यूज्ड इन रैट पॉइजन, चूहे के जहर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? वाइट फॉस्फोरस का, सफ़ेद फॉस्फोरस का। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ मैन, जो मनुष्य का चिकित्सा सूत्र क्या होते हैं? ये 2123/2123। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन शीप, पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? डॉली था। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में समान कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या होता है? 180 से 200 mg/dL। अगला क्वेश्चन है, ए डैश इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, 99% ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, ट्रांसपिरेशन के दौरान 99% वाटर लॉस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा को छोड़कर कौन सा एंजाइम पशु साम्राज्य के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? एमाइलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस इज कैरिड बाई डैश मॉस्किटो, जीका वायरस किस मच्छर द्वारा कैरी किया जाता है? ये एडिस, और ये मॉस्किटो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं और टेम्परेट क्लाइमेट में भी ये अच्छे खासे पनपते हैं। ये वो मच्छर होते हैं जो कि जीका, डेंगू, चिकनगुनिया और भी बहुत सारे डिजीज के कैरियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोमेटो कॉन्टेन विच एसिड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल रिस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन देम, कौन सा जानवर रिस्पायर करता है यानी कि सांस लेता है जबकि उनमें ब्लड नहीं होता है? हाइड्रा में।
अगला क्वेश्चन है विच सेल एक्टिंग एज फैगोसाइट आर प्रेजेंट इन द लीवर। फैगोसाइट के रूप में कार्य करने वाली कोशिकाएं यकृत में मौजूद हैं, कौन सी? कुफर सेल। अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल फंक्शन एज पावर हाउस ऑफ लिविंग सेल। कोई भी जीवित कोशिका के पावर हाउस के रूप में कौन सा सेल कार्यरत होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है ए बाइट ऑफ मैड डॉग काउजेज। पागल कुत्ते के काटने से हमें हाइड्रोफोबिया होता है, ये हमें पानी से डर लगने लगता है इस बीमारी में। अगला क्वेश्चन है विच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर। किस बीमारी को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? हाई ब्लड प्रेशर को, उच्च रक्तचाप। 75वां क्वेश्चन है ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम नोन एज। मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है? उसमें पटाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन है विच ग्लैंड डिसअपीयर ड्यूरिंग ओल्ड एज। बुढ़ापे के दौरान कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? थाइमस। अगला क्वेश्चन है द इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कालाजार इज। कालाजार के प्रसार के लिए जिम्मेदार कीट कौन सा होता है? सैंड फ्लाई। अगला क्वेश्चन है डैश इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। किसको मजबूत प्राकृतिक फाइबर के रूप में जाना जाता है? सिल्क को। विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में किसे जाना जाता है? स्प्लीन को, हिंदी में प्लीहा बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज द। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में जानी जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पी साइज्ड ग्लैंड होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? माइटोसिस को। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्ट एज द कैरियर ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज टू ऑल इट्स पार्ट। पादप शरीर का कौन सा भाग भोजन और अन्य पदार्थों के वाहक के रूप में कार्य करता है? फ्लोएम काम करता है। और जाइलम क्या काम करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। जाइलम दो तरह के टिश्यूज होते हैं प्लांट में। अगला क्वेश्चन है विच इज द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठा चीनी कौन सा होता है? फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन है द हियरिंग फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो सुनने का क्रिया होता है वो मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित होता है? ये टेम्पोरल लोब से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है विच मेजर केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन। मानव गुर्दे के पथरी में कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक पाया जाता है? ये कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन किस धातु में मौजूद होता है? जिंक में। अगला क्वेश्चन है थ्रस्ट हंगर एंड स्लीप आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क के किस हिस्से से प्यास भूख और नींद नियंत्रित होती है? ये हाइपोथैलेमस से होते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। शराब मानव मस्तिष्क के किस हिस्से को प्रभावित करती है? ये हमारे सेरेबेलम को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वोमिटिंग। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनियमन केंद्र है? ये मेडुला ओब्लोंगाटा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई चेंजेज इट साइज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट। मानव नेत्र के किस भाग में प्रकाश की मात्रा के आधार पर आकार बदलता है? वो है पुपिल।
अगला क्वेश्चन है डैश इज द प्लांट विच यील्ड बायोडीजल और बायोफ्यूल, कौन सा पौधा बायोडीजल या बायोफ्यूल का उत्पादन करता है? यह है जेट्रोफा कर्कस। अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच रेगुलेट्स द क्वांटम ऑफ लाइट एंटरिंग इज, मानव आंख का वो भाग जो प्रकाश के प्रवेश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन सा भाग है वो? आइरिस है। अगला क्वेश्चन है विच सॉल्ट इज फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट, यह है कैल्शियम फॉस्फेट। 94th क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट डन टू डायग्नोज कैंसर, कैंसर का निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। 95th क्वेश्चन द विटामिन विच इज कंसीडर्ड टू बी ए हार्मोन इज, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? वो है विटामिन डी को। अगला क्वेश्चन इनटेक ऑफ विच विटामिन इज रिकमेंडेड टू इम्प्रूव ब्लड कोगुलेशन, रक्त जमावट में सुधार करने के लिए किस विटामिन की सलाह दी जाती है? विटामिन के की। अगला क्वेश्चन है हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार रक्त परिसंचरण के बारे में किसने समझाया था? विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था? पेंसिलिन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था ये, और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु इज क्रेडिटेड फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट मैन मेड जेन इन ए लैब, प्रयोगशाला में पहले मानव निर्मित जीन के उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, ये इंडियन साइंटिस्ट थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 100वां क्वेश्चन, जेरोप्थाल्मिया इज डिजीज कॉज बाई लैक ऑफ विच विटामिन, जेरोप्थाल्मिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इस तरीके से ये बायोलॉजी का टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। इसे आप दोबारा से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो। अगले सेक्शन में हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को कवर करेंगे, उसके भी टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो बस आप लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो। ये सारे टॉप 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले RRB NTPC या ग्रुप डी में, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से समझें और दोबारा से देखें। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहें और जुड़े रहें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।